हाय एवरीवन वेलकम टू सी यू ई अड्डा सो आप सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे और काफी पैनिक सिचुएशन में थे कि आखिर सी यू टी ट्वेंटी कब होगा और कई सारे लोग तो काफी आ, इंतजार में बैठे हुए थे कि शायद अभी लंबा टाइम होगा और सी यू टी का एग्जाम होगा सो स्टूडेंट्स यू कैन सिंपली सी इट ऑन योर स्क्रीन की सी का जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपका यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि आपका पूरा स्केड्यूल आ गया है कि कब पेपर होगा राइट कब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपको देखना यहाँ पर यह भी है कि कितना कम समय आपके पास बचा हुआ है अब तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सो so, आपको पता है सीयूईटी पीजी की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी पी ही नहीं बल्कि आपका जेई का जेई मेन का डीट का यूजी का और यूजीसी uh, नेट सबकी ही जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो बता दी गई हैं यहाँ पर और सीई डी की अगर मैं बात करूं तो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में पेपर्स कंडक्ट करवा दिए जाएंगे सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सेप्टेंबर ऑलमोस्ट गॉन आपके पास अक्टूबर बचा है नवंबर बचा है दिसंबर बचा है जनवरी बचा है फेबर बचा है और मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे सो फिर से अगर आप काउंट करें अक्टूबर नवंबर जनवरी फेबर तो ले देकर के आपके पास पांच महीने हैं आपको लग रहा होगा पांच महीने बहुत ज्यादा है बट एक्चुअली में पांच महीने बहुत ज्यादा नहीं होते बहुत जल्दी जल्दी यह समय बीतता है और ऑब्वियसली आपको अभी सिलेबस भी खत्म करना है और आपको उसके बाद रिविजन भी करना है सो अभी से ही आप अपनी कमों कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए को कहते हैं ना लग जाना तैयारी में क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी में अगर लग गए अभी से तो ही आप बच्चा स्कोर कर पाएंगे और अगर आपने कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी अपनी सोच करके रखी है कि नहीं मेरे को ये यूनिवर्सिटी में जाना है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी राइट right. सो so, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 11 मार्च से ही पेपर स्टार्ट है यानी कि मार्च में भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा सो so, स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी अब अगर मैं सीयूडी पी की बात करूं तो सीयू डी का जो एग्जामिनेशन है आपका उसमें जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के एग्जाम आप दोगे उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिलेगा पार्ट ए आपका जो है वो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का होता है पार्ट बी आपका सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में आपको टोटल हंड्रेड मार्क्स का पेपर आएगा और पार्ट बी में आपको थ्री हंड्रेड मार्क्स का पेपर आएगा पार्ट बी जनरली बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन पार्ट ए को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो तो मैं बता दूं अगर आप सोच रहे हो कि आप पार्ट ए की प्रिपरेशन कहां से करो जिसमें आपका लैंग्वेज आ सकता है मतलब इंग्लिश का पार्ट आएगा देन आपको मैथ्स मिल जाएगी आपको रीजनिंग मिल जाएगी और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन मिल जाएगा अब आपको ये सारे सारी चीजें अगर प्रिपेयर करनी है तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई सोर्स ढूंढोगे और उसकी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है राइट right? सो so, आप क्या कर सकते हैं कहां से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म सो मैं यहां पर आपको बता दूं आपके पास अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल आप जाएं अड्डा ट्वेंटी के प्लेटफॉर्म पे और जाकर के अपनी प्रेपरेशन

कर सकते हैं इसमें आपको पूरा आपका कवर करवाया जाएगा जो हंड्रेड मार्क्स है जिसके लिए सबसे ज्यादा परेशान होते हो कि उसको प्रिपेयर से करो और इवन जो बच्चे एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो टोटली इसी पे ही डिपेंडेंट होता है इन इस सेक्शन पे पार्ट ए पे जिसमें आपका लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आपको आ, रीजनिंग मिल जाती है राइट So, आपका ये जो है, हजार नौ सौ उन्नीस रुपए का यहां पर दिखा रहा है बट इफ यू वॉन्ट टू गेट इट इन लेस प्राइजेस आप एक कोड भी यूज कर सकते हैं वाई फोर एट फोर वाई फोर एट फोर कोड जैसे ही आप यूज करेंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा फोर सेवन नाइन नाइन रुपीज में चार हजार सात सौ निन्यानवे uh, रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा यानी कि लगभग लगभग अड़तालीस सौ का इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड के अलावा आपको यहां पर एक और चीज मिल जाती है जिसको आप टेस्ट बोलते हो टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्लास की डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगी जो की आपको सफिशियंट प्रेपरेशन करवा देंगे आपकी पार्ट ए की तो आपके वो सौ नंबर कहीं भी नहीं गए जिनके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो फिर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको ये लग रहा है कि अभी तो हम आराम से पेपर देंगे लेकिन आप सोच जरा कि आपका जो पेपर है आप देख पा रहे हो पे कॉमन यूनिवर्सिटी ट्वेंटी और पीजी यहाँ पर नीचे दिया गया है तो यूजी का एग्जाम जो है वो थर्टी फर्स्ट में, में के बीच में होना है, जिसके लिए अच्छा खासा टाइम है लेकिन अगर आप पीजी के लिए जा रहे हो तो पीजी का ग्यारह मार्च से 18 मार्च के बीच में आपका ये पेपर हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख भी देती हूं आपके लिए बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग uh, में आप इसको कहीं पर नोट कर लें क्योंकि आई नो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये इश्यू होता है कि दे आर कंप्लीटली अनवेयर ऑफ दिस की उनका पेपर कब है और वो प्रेपरेशन लेट से स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप सभी लोग इस uh, जो वीडियो है इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए सी यू ई टी टी जी ठीक है एग्जाम डेट एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है कौन कौन सी डेट है आपकी 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में पेपर हो जाएगा 28 मार्च ठीक है और अगर आपको CUET की प्रेपरेशन करनी है फॉर बीजी तो आप कहां से प्रेपरेशन कर सकते हैं अंडर ट्वेंटी फॉर के प्लेटफॉर्म से अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप दक्ष बैच को ले सकते हैं दक्ष बैच आपका कल से शुरू हो रहा है आप अभी से ही अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कोड लगाइए वाई फोर आपका कोड 4799 में आपको ये बैच मिल जाएगा सो थैंक यू एवरीबडी बाय टेक केयर बट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जितना ज्यादा ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि आई नो देआर सो मेनी पीपल जो कि पीजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड आई बिलीव की आपकी अवेयरनेस दूसरों को भी बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा सकती है ये डेट याद रखिएगा दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बाकी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है आपको लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन है आप कुछ पूछना चाहते हैं बिकॉज सीयू टी पी में भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीके? अगर उनसे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई नो बहुत सारे डाउट्स आते हैं ठीक है इवन बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि मैम कोर की प्रेपरेशन कैसे करें अगर इस चीज़ को लेकर के भी आपको डाउट है या आप कौन से सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना सो वी कैन हेल्प यू आउट कि हम उस सब्जेक्ट का पेपर भी जरूर से जरूर लाने की कोशिश करें राइट सो थैंक यू एवरीबडी बाय एंड टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल